जब मेराज का वाक्या हुआ तो ये बहुत अजीबोगरीब वाक्या था। तो आका करीम ने जब ऐलान किया के बताया कि अल्लाह ने यूं मुझे खलवतों में बुलाया, तो कुरैश ने समझा कि इससे बढ़कर और मौका क्या मिलेगा प्रोपेगंडे का। तो कहा अबू बकर कोई नई बात सुनी है? कहा तुम सुना दो। कहा अगर कोई कहे कि रात की मुख्तसर तन्हाई में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा हूं, फिर वहां से वापस भी आ गया हूं, तो बात मानने में आती है? आपने बरजस्ता कहा बिल्कुल मानने में नहीं आती। इतने मुख्तसर वक्त में मस्जिद अक्सा जाए और फिर पलट के भी आ जाए, कम अज कम 2 माह चाहिए। 1 महीना जाते हुए लगता है, 1 महीना आते हुए लगता है, कुछ छू के भी आए तो 2 माह चाहिए। तो समझा कि लोहा खूब गर्म हो गया, अब चोट टिकाने पर बैठेगी। कहा मानने में नहीं ना आती? कहा बिल्कुल नहीं मानने में आती। तो कहा फिर तेरा यार ही तो कहता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो वाकई कहते हैं? हाँ 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 उन्हीं का कहना है। तो हजरत अबू बकर बोले लइन कालहू फकद सदका फउसद्दिको, अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है, मैं तस्दीक करता हूं। कहा अभी तो तुम कह रहे थे कोई कहे तो मानने में नहीं आता। कहा कोई कहे तो अब भी नहीं मानूंगा, वो इससे भी अजीब कहे तो मान लूंगा। अल्लाह अकबर। फबिज़ालिका सुम्मिया सिद्दीक, उलमा ने लिखा ये वो वजह थी जिसकी वजह से आपको सिद्दीक पुकारा जाने लगा, मेराज की तस्दीक की और सिद्दीक कहलाया।